2017 में एक लड़की से मुलाकात हुई थी। उसी के घर पे किराए से रहने गए थे, तो वहाँ से मुलाकात होकर लिव इन रिलेशनशिप में आए थे। लिव इन रिलेशनशिप के बाद 5 साल तक रहे हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में, और 5 साल रहने के बाद एक ऑप्शन निकाला कि सर्जरी वाला एक ऑप्शन निकाला ट्रांसजेंडर वाला, तो उसके लिए काउंसलिंग होनी थी। 2017 में ही काउंसलिंग शुरू कराई और 3 साल ये काउंसलिंग चली, और 2020 में जाके मैंने एक टॉप सर्जरी कराई जिसमें ब्रेस्ट रिमूव हो गए। और ब्रेस्ट रिमूव होने के बाद भी हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मैंने अपनी पार्टनर को कहीं और लगाया सर्विस पे, और सर्विस पे लगाने के बाद उसकी एक किसी ज्ञान नाम के लड़के से किसी और लड़के से उसकी फ्रेंडशिप हो गई, और उसने फ्रेंडशिप के माध्यम से उसमें लव में कन्वर्ट हो गई। देन उसके बाद वो मुझे चीट करने लगी, उससे चैटिंग करने लगी, जो मुझसे मैसेज किया करती थी एक टाइम पे वो अब उससे करने लगी, शेयरिंग हमसे ख़त्म हो गई दूसरी जगह शेयर करने लगी। ये चीज़ में मैंने जब रोक टोक की तो उसने यही बोला कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है और मुझे अब कहीं और रहना है, मैं कहीं और शादी करना चाहती हूँ। तो अब कोर्ट इस समय दोनों लोग अलग अलग हैं जी, तो अब कोर्ट में जाने का आपका मकसद क्या है? कोर्ट में जाने का यही मकसद है क्योंकि जब हमारी सर्जरी हुई है आपने हाथ हमारा थामा था, तब आपने ये कहा था हमसे कि खाना खान कुछ भी हो जाए दुनिया में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे कस्में बाधे रहे होंगे हम दोनों के भी एक दूसरे के साथ, फिर आज क्यों भूल गए आप? आज हम हमारा अस्तित्व कहाँ गया, हम किसके सारे जिएंगे अगर आप हमें छोड़ देंगे तो? तो कोर्ट के मकसद से क्या आप पनिशमेंट चाहती हैं, कार्रवाई चाहती हैं, या फिर आप रिलेशन को ब्रेक करना चाहती हैं? नहीं, पर अगर बैक ही करना होता तो 8 महीने उसको मैंने दिए, 8 मंथ में अगर उसको बैक करना होता तो मुझसे कांटेक्ट करती और सारी बात मसले सुलझ जाते, लेकिन अब सुलझने लायक कुछ बचा ही नहीं, अब तो सीधा पनिशमेंट पे आते हैं, क्योंकि जो बीता है वो न्यायालय उसको सबक देगी सच में।